भाई इस चैप्टर को कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा सजेशन करूंगा आपको कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ लेना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो इसे भी समझ में आने वाला है। चलो मैंने क्या कहा कि लेंस पढ़ना है मुझे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। मैंने लिया एक सॉलिड स्फेयर ले लिया, किसका, ग्लास का ले लिया, कुछ इस तरह ले लिया। अब मैंने क्या करा, इसको कट कर दिया। ऐसे कट कर दिया तो मुझे दो सेक्शन मिले, कुछ ऐसा मिला और कुछ ऐसा मिला। समझने के लिए बात कर रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं, इसका सेंटर कहीं इधर होगा। अरे ठीक है, क्या समझने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे कट कर दिया। अब मैंने अगर इस कट को, इस तरीके वाले कट को अगर मिला दिया तो कुछ मेरे पास ऐसा फिगर आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसा इसका सेंटर तुम्हारा मान लो C1, इसका सेंटर मैंने बोला C2, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्स करेगा लाइट रे को। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर मिला दूं मैं तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और लेंस के सेंटर पॉइंट को मिलाता है। इस ओ को बोलेंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर। सारी बात एक ही बार में हम लोग कर रहे हैं, टर्म्स रिलेटेड, टर्म्स भी रिलेट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करेंगे तो ये R1 है, और यहाँ से लेते हैं यहाँ तक बात करेंगे R2। तो आपका R1 और R2 क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखो ना, बस शुरू पहले वाला लेक्चर अगर देख लोगे तो सारी चीज़ समझ में आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा आपको बता दूँ कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल तुम्हारे कॉनकेव मिरर के सारे चीजें लेकर बैठा है, कॉनकेव मिरर। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि आप पहले ये वीडियो देख लें। अच्छा ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब मैंने कन्वर्जिंग क्यों बोलेंगे, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन मैंने ये जो सेक्शन से मेरे एक ऐसा था, मैंने इसको थोड़ा सा पलटा दिया और मैंने मान लिया कि इसे जॉइंट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम मुझे मिलने वाला है। कॉनकेव, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा कॉनकेव लेंस को बोलेंगे अपन डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस हम लोग क्यों कहेंगे, अभी समझ में आ जाएगा डाइवर्जिंग। अच्छा आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका कॉनकेव लेंस है, ये सारे केसेस लेके बैठा है आपके कॉन्वेक्स मिरर के, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा इसका सेंटर पॉइंट मैंने बोला, ये भी तो कर्व भी है, इसका सेंटर इधर C1 है, इसका सेंटर इधर C2 है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है आपको, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन की बात करें तो एक इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर्स और सॉरी ओ ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करता है, इमेजिनरी लाइन होती है ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, अच्छा ये क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मैंने बोला R1, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को मैंने बोला R2, जहाँ पे R1 और R2 क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने अभी बात कर ली ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जब इतनी बात हो गई है तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की सारी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बात करनी पड़ेगी कुछ टर्म्स, जो हमने टर्म्स बात कर ली थी वो टर्म्स की बात करेंगे हम लोग फोकस, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस के बिना कोई काम हो रहा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो फोकस में दोनों ही केस में देखता हूं, ये कॉन्वेक्स, ठीक है क्या, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका सेंटर कहीं इधर C1 है, इसका सेंटर कहीं C2 है, मुझे नहीं मालूम फोकस कहाँ होगा। ठीक है ना, तो एक बात बताता हूं, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी इंफिनिटी से, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। देखो एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, तो रिफ्रैक्शन का प्रॉपर फिनोमेना अगर आप लोगे, मैं डायग्राम बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जब ये कंजर्व होगी, क्यों इधर ही क्यों आएगी, मैं एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, याद रहेगा अच्छी बात है। प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म में क्या होता है, अगर कोई व्हाइट लाइट पास करता है तो हमेशा बेस की तरफ बैंड करता है, तो इसको अगर देखोगे तो क्या ये प्रिज्म जैसा थोड़ा दिख रहा है, तो लाइट ऐसी आएगी तो बेस की तरफ बैंड करेगी, तो एक तो एक बात तो ये हो गई। फिर लाइट अगर ऐसा लेकर गया तो क्या ऐसे बैंड करेगी, तो यहाँ पर जहां पर मिल रहा है वो कहलाएगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस PF। अरे कितनी बात काफी का, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अच्छा ये जो फोकस रहेगी, ये आपकी फोकस रहेगी रियल। भैया हमने बात करी थी कि जब कोई रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल मीट करेगी तो वो काम होना रियल, और अगर अज्यूम टू मीट करेगी तो क्या होगा, वो वर्चुअल। तो ये इमेज के भी यही सेम केस है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस आपका रियल होगा। अच्छा इसका सेकेंड केस, अगर मैंने लाइट रे ऐसा लेकर आ गया तो ये वो है, ये आपका इधर C1 था, इधर C2 था, ऐसी पैरेलल लाइट रे आई तो फिर वही काम होना है,
फ्रिज में जैसा बन रहा है कि ये लाइट रे ऐसा यहाँ पे मिलेगा तो तुम्हारा हो जाएगा F2, इसको मेरे बोले F1, ये हो जाएगा सेकंड फोकस। दो फोकस होती है मेरे पास, ठीक है। ये किसका लिया मैंने, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का लिया, ठीक है। अच्छा ये भी आपका रियली होना ये फोकस, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव सवाल कहीं से भी पूछ लेंगे। अच्छा मैंने लिया अगर कॉन्वेक्स मिरर, नहीं लेंस है भाई, चलो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, बड़ा आला तला बन रहा है यार मेरे से, ठीक है ना, समझो। ये इधर लिया C1, इधर लिया मैंने C2, कोई पैरेलल लाइट रहेगी तो वही प्रिज्म वाला केस। अब देखो कुछ इसको अगर कट करूं तो कुछ ऐसा निकलने वाला है, इसको अगर मैंने कट करा तो कुछ ऐसा निकलने वाला है, सोच लिया मैंने, समझ लिया कि प्रिज्म जैसा तो लाइट रे जाएगी तो बेस की तरफ बैंड करेगी, तो अच्छा रिफ्रैक्शन फिनोमेना भी हो सकता है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ऐसा ध्यान रखें, ठीक है, नहीं तो फिर मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी यार, है ना। अच्छा ये पैरेलल गया, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, ये ऐसा कुछ लेकर गया और ये इस तरीके से लेगा, फिर ये पैरेलल लेकर इधर कहीं नहीं मिल रहा, तो इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो जहां मिलेगी वो कहलाएगा हमारा F1, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अच्छा ये क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी, समझ में आ रहा है क्या, वर्चुअल अज्यूम टू मीट कर रहा है ना, डायग्राम छोड़ो यहाँ पर दूसरा देखो, ये मैंने बोला इस तरीके से, सेकेंड केस लाइट रेको उधर से ऑप्टिकल सेंटर, इधर है मेरा C1, इधर है मेरा C2, ठीक है। कोई पैरेलल लाइट रे लेकर ऐसा आया तो इधर बेस की तरफ बैंड हुआ, इधर पैरेलल लाइट रे बेस की तरफ बैंड हुआ, कहीं नहीं मिल रही, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा, जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर कहीं कट कर रही थी, ये हो जाएगा आपका सेकेंड फोकस, ठीक है। अच्छा ये भी क्या होगा आपका, वर्चुअल होगा। ये कुछ बात थी हमने जो कर ली, तो फाइनली मेरे पास एक डायग्राम आता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज का, जो मैं दिखाऊं आपको, ये देखो। अच्छा एक रिलेशन आपको मालूम है ना, R बराबर 2F, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो मैंने कहा कि ये मेरे पास कौन सा लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, ये यहां पर बोल दिया एक फोकस तुम्हारा F1, अब यहां पर जो तुम्हारा C1 होगा, क्या ये रेडियस ही है क्या यहां से, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2F1, ये अगर आपका F2 है तो ये हो जाएगा आपका 2F2, ठीक है क्या, है ना। ये पूरा एक बात हम लोग बात करेंगे अभी बाद में, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा अगर मैंने और दूसरा वाला केस लिया, कौन सा, मैंने अगर कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, सॉरी क्या हुआ, कॉनकेव लेंस ले लिया मैंने, कॉन्केव लेंस लिया, तो ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर O, इधर इसका फोकस कहीं F1 रहेगा, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे 2F1, ये आपका F2 और ये क्या हो जाएगा आपका 2F2। अब सेम का केस जो मैंने बताया था, लेंस और मिरर दोनों एक दूसरे का रिजम्बल है, इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो बात बराबर है, लेकिन कुछ साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये इधर से और ये इधर से, इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अरे ठीक है क्या, चलो अभी हम लोग बात करते हैं भाई लेंस से, इमेज तो बनेगी, ये जो लेंस दिख रही है आपको ये है कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग, मुझे पास का अच्छे से दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, अब अच्छे HD में दिख रहा है मुझे, तो चलो बात करते हैं यहाँ सारी चीजें। तो इमेज तो बनेगी ना, तो इमेज के बारे में पहले भी बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में, एक बार देख लेना इच्छा हो तो, ठीक है। अच्छा इमेज के बारे में पता है ना आपको, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल इमेज बनती है, और अज्यूम टू मीट होती है मतलब लगता है कि आके मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये सारी बातें मैं बाद में करने वाला हूँ, लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं इमेज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। कौन सा वाला, पहला ले लिया मैंने कॉनवेक्स लेंस ले लिया, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है मुझे, ओ हो गया इधर आपका F1, इधर आपका F2, हमेशा ध्यान 2F1, हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड होगा, अरे ठीक है क्या। अच्छा यहाँ देखो ये तुम्हारा F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सिर्फ दो तीन रूल होता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, ये फर्स्ट रूल बोल दो मेरा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, एक केस हो गया। चलो इसको मैंने एग्जांपल वन बोल दिया,
अच्छा दूसरा, अगर ये फोकस से जब पास हो रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेकेंड रूल हो गया, ठीक है क्या। अच्छा थर्ड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो जैसा गया वैसे के वैसे सीधा, ये आपका हो गया थर्ड रूल। तीन रूल याद रखना है यार, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर से सब गया तो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह आपका इसमें भी होने वाला, बोलो मैं क्यों पीछे रहूं, ठीक है मैंने भी कर लो काम, वो हो गया इधर आपका तुम्हारा F1 2 F1 F2 2 F2। देख रहे भैया आप, तुम करना नहीं आता मुझे ज्यादा। चलो यहाँ देखो, पैरेलल गई कहाँ से पास होगा, ऐसी जाएगी, फोकस से पास हुई, ठीक है सेम केस है। और दो ही इसमें तो दो ही रूल करना है, एक आपका पहला रूल हो गया, दूसरा अगर ओ से लेकर जाओगे तो सीधे के सीधे चली जाएगी, दो रूल हो गया। अब हमको क्या करना है, क्या इमेज बनाना, रूल काहे के लिए पड़ी, इमेज बनाने के लिए ना तो पड़ता है ना। चलिए दो मेरे बोला, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं बात करूं किससे, इस पर अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस का इमेज बना रहा हूं तो आपको सारी बात करनी पड़ेगी कॉनकेव मिरर जैसी, सारी बात कॉनकेव मिरर जैसी। पहला केस, इतने बड़े डायग्राम अभी देखना, इनके बीच में गाना चलेगा, क्या चलेगा पता है, तू चल मैं आई। देखो हो गया F1 2 F1 F2 2 F2, ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, F बराबर R/2। अब मैंने क्या करा, पहला केस लिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया बहुत दूर इंफिनिटी पे। अब इमेज जो बना रहे हैं हम लोग, बात करने वाले इमेज फॉर्मेशन, पोजीशन की बात करेंगे, छोटी बन रही है बड़ी बन रही है इसकी बात करेंगे, रियल इन वर्चुअल की बात करेंगे, इस तरीके से सारे नेचर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक एक केस लेके। तो चलो भैया ऑब्जेक्ट पहला केस है, जब इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो दो लाइट चाहिए क्या, यहाँ देखो कोई भी इमेज बनने के लिए आपको कितनी चाहिए, दो लाइट रे कम से कम चाहिए, ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पर दोनों मिल रही है तो ये जो इमेज जो बनेगी क्या मेरी यही बनेगी, तो मैंने ये बोला यहाँ पर कि इमेज के बारे में अगर बात करोगे तो क्या बन रहा है, एट फोकस पे। अब फोकस पे अगर बन रहा है तो इतना दूर था लेकिन इतनी छोटी बन रही है, और बड़ी हो सकती क्या, तो ये क्या बोला मैंने, पॉइंट साइज बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी हाईली, ठीक है। अच्छा क्या एक्चुअल मीट कर रहे हैं ना, रिफ्रैक्टेड रे एकदम से दिख रहा है, एकदम जिंदा रियल इमेज, और रियल हमेशा क्या रहती है, इन्वर्टेड, उल्टी रहेगी, रियल हमेशा उल्टी बनती है, हमेशा याद रखना। एक केस हो गया, दूसरे केसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी देखा मैंने बोला था ना, तू चल मैं आई, यहां पर देखो ये क्या है, ये लड़की यहाँ पर, अब बोलेगी मैं यहाँ आ गई, तो ये बोले इसको बोलेगा तू चल, मतलब ये उधर जाएगा, इस तरीके से कुछ चलने वाला है। देखो सेकंड केस हम लोग बात कर रहे थे, पहले कॉन्वेक्स मिरर से बात कर, कॉन्वेक्स लेंस से बात कर रहे हैं। सेकंड केस बहुत सारे ताम झाम है यार इस केस में, ये F1 हो गया आपका, 2F1 हो गया, डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो आपको सारी चीज अच्छे से बन जाएंगे, हमसे जितना ही हो रहा है लेकिन हम समझा सारी देंगे। अब मैंने क्या करा, 2F के बाहर, सेकेंड केस बियॉन्ड, अरे बिटवीन बोल दिया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F के अगर बीच में रहेगा कहीं पे, या फिर बियॉन्ड 2F की बात करो, तो वही लाइट रे क्या करोगे, पैरल लेकर जाओ, पैरल लेकर गए तो कहाँ से पास कराओगे, फोकस से, ठीक है एक हो गया। दूसरा काम करो तो मैं फोकस से लेकर जाता हूँ तो पैरल, ऐसा कुछ होगा क्या, तो पता है आपकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इमेज 2F के बाहर बनेगी। मेरे पास थोड़ा ढंग से बना नहीं लेकिन मैं बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बननी है आपकी इमेज और थोड़ी बड़ी बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया आपका एडेश, और ये हो गया आपका बीडेश। मतलब बोला ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F के बीच में, तो इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बोलूंगा कि बियॉन्ड 2F, 2F के बाहर बन रही है, और कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, अच्छा रियल बन रही है, और रियल क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये प्रॉपर्टी हो गई क्या,
इलाज भी बन रही है, बड़ी बन रही है। थर्ड केस की बात करें, सारा का सारा वही केस लेगा जो कॉनकेव मिरर लिया करता था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सेम टू सेम केस, ओ आपका एफ वन, ये आपका टू एफ वन। अब मैंने कहा यहाँ पे लिया एफ टू और ये तुम्हारा टू एफ टू। अब मैंने बोला एट टू एफ, इसका मतलब सी पे रखते तो सी पे बनती थी क्या? तो यहाँ पर अगर थर्ड केस आपने लिया, यहाँ पे रख, ये बोला तू चल मैं आई, उधर गया वो, ये इधर से आ रही है, धीरे धीरे पास आएगी। ठीक है, ये पैरल गया, जब पैरल जाएगा तो कहाँ से पास होना है? फोकस से। और जब फोकस ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर पे जाके ही सीधे से चली जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इमेज बन गई। यार सी पे रखते थे तो सी पे इमेज बनती थी क्या मिरर में? तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने? ऑब्जेक्ट जो आपका एट टू एफ, तो इमेज के बारे में अगर हमने बात करी तो कहाँ पर आया? एट टू एफ पे ही बनी क्या? अच्छा, सेम साइज, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जितनी ही है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, रियल, और रियल क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड। ये तीन केस हो गया, अब दो केस और बचे हैं, तीन केस और बचे हैं। फोर्थ केस की बात करूं मैं, ये ले लो ऑप्टिकल सेंटर आपका F1 टू F1, ये डिस्टेंस बराबर रहेगा। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे F2 टू F2, डायग्राम अच्छे से बनाना भाई, मेरे मेरे से तो बन नहीं रहा अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को बिटवीन टू F एंड F के बीच में, ये दूसरी वाले F के बीच में पैरल गई, फोकस से पास हुई। फोकस से लेकर जाएंगे, नहीं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे तो ये बन नहीं रहा ना, कहाँ से बनना चाहिए? अच्छा, वो क्या होता है, इसके बीच बनेगी, इसके बीच बनेगी। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये कुछ ऐसी गई। अगर मैं ऐसा कुछ लेकर जाऊँ फोकस से तो ऐसा कटेगी, कुछ इस तरीके से लेकर आया मैं, थोड़ा सा समझो मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखो इमेज कैसी बन रही है, एफ और टू एफ के बीच में बन रही है और छोटी बन रही है, और ऐसा ही बनता है। रे डायग्राम ढंग से बनाना पड़ेगा। तो मैंने इमेज के बारे में बात करी तो क्या मुझे एट एफ एंड टू एफ के बीच ही बन रही है। ठीक है, और कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अच्छा, क्या बोल रहा था, वे डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन गई, डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड का बनेगी कि नहीं बनेगी, यह है ना इनलाइंस का मतलब, मैग्नीफाइड ही है, बड़ी बन रही है। ठीक है क्या? अच्छा, ये लो ये हो गया फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या होगा? धीरे धीरे चलते चलते हम कहाँ आ गए, ये चले आ रही है यार, ये तुम्हारा एफ टू, ये टू एफ टू, ये हो गया एफ वन, ये हो गया टू एफ वन। मैंने कहाँ पे रख दिया, अब मैंने फोकस पे रख दिया, पैरल गई, फोकस से निकली, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गई पैरल, ये इन्फिनिटी पे कहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस। अरे ठीक है क्या, मैं पढ़ा जा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहो क्या? जो सीधे से क्या, तो इमेज के बारे में अगर मैंने बात करा तो यहाँ देखो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, और कैसी बन रही है, रियल बन रही है, और रियल के साथ इन्वर्टेड भी बन रही है, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बन रही है, बराबर है। चलो अच्छा, ये लास्ट वन स्पेशल केस, लास्ट वन स्पेशल केस बोलते हैं क्योंकि अभी तक जो रियल 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 कर रहे थे, अब देखो वर्चुअल होने वाला है। सिक्स्थ केस है, ऑब्जेक्ट जो रहेगा मेरा बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये आपका ओ हो गया, यहाँ पे मैंने बोला एफ वन, इतना ही दूर होगा आपका एफ टू, इसको थोड़ा इधर पास ले लो, ये मेरा हो गया ये एफ वन टू एफ, ये एफ टू, ये आपका हो गया टू एफ टू। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, पैरेलल लेकर गया, फोकस से पास हुआ। ठीक है, और मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर गया तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे के सीधे चले गया, दोनों कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों मिल नहीं रहे तो अज्यूम टू मीट करवाएंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों कहीं इनका मिलन कहीं इधर होने वाला है। इस तरीके से जब इनका मिलन हुआ तो मैंने कहा कि इमेज के बारे में, तो इमेज जो है इस केस में रिफ्रैक्टेड रे अज्यूम टू मीट, अभी यहाँ पे दिख रहा था कट्टर से कट रहा है, मतलब अच्छे से कट रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि ये दोनों
पीछे इधर प्रोड्यूस कर रही है, तो इमेज बननी है आपका बियॉन्ड, अरे बिहाइंड मिरर, बिहाइंड लेंस, लेंस की क्या बन रही, पीछे ही बन रही, क्या इधर ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही तुम्हारी इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है, तो बड़ी बन रही थी यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है बेचारा सीधा होता है, ठीक है, और वर्चुअल तो तुम्हारा सीधा होता है, अच्छा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इन लार्ज बोल देंगे, बड़े बन रहे एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज अ स्पेशल केस हैशटैग वाला, ठीक है। इसके से सवाल आएंगे यहाँ पे, अभी मिरर मिरर फॉर्मूला जैसा लेंस फॉर्मूला भी होता है। अच्छा मैंने अगर बात करी आगे, तो इसने किसका बिगाड़ा, इसको भी तो बात करनी पड़ेगी, कौन सा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मैं पहन रखा हूं यहाँ पे, ठीक है क्या, डाइवर्जिंग लेंस, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेता है कॉन्वेक्स मिरर का सारा कॉन्सेप्ट चुरा लेता है। मेरे कैसे चुरा आता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेता हूं मैं, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा, ये एफ टू, ये आपका टू एफ टू, इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन हमको बात तो करनी पड़ेगी, एफ वन और ये आपका हो गया टू एफ वन, ऑब्जेक्ट को मैं रखा इन्फिनिटी पे, पैरेलल आई यूं गई, ये पैरेलल आई यूं गई, दोनों कहीं नहीं मिल रहा है, पीछे की तरफ मिलाओ, कहाँ मिलनी है फोकस पे, ये बन गई आपकी इमेज, और इमेज की बात करें तो क्या बन रहे हैं यहाँ पे, अरे वर्चुअल है तो सीधा भी है और पॉइंट साइज भी है, ठीक है क्या, हाईली डिमिनिश्ड। एक केस कॉनकेव मिरर में, कॉनवेक्स मिरर में आपको याद होगा कि दो ही केस बनता था और दोनों ही केस में हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता था क्या, यहाँ पर भी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में, फोकस के बीच में बनेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को बस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा सेकंड केस की अगर बात करें, सेकंड का फाइनल केस ही है इसका, दो ही है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ आपका यहाँ पे ले लो, एफ वन ले लो, यहाँ पे टू एफ वन ले लो, इधर क्या ले लिया मैंने एफ टू ले लिया, इधर क्या ले लिया मैंने टू एफ टू, ऑब्जेक्ट को चलो ना मैं कहीं रभी रख दूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये गया कहाँ से निकलेगा, ऐसा निकलेगा फोकस से पास होगा, ओ से लेकर जाओ सीधे के सीधे चले जाएगा, यहाँ पे देखो अज्यूम टू मीट हो रही क्या, यहाँ पर कहीं मीट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यार यहाँ पे एक बात बता, ये वर्चुअल बन रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा अज्यूम टू मीट, ये क्या बनेगा यहाँ पे वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल होगा तो क्या होगा इरेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डिमिनिश्ड है क्या, अरे छोटी बन रही है, और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस क्या हमेशा यही बन रही है, ये सारे केसेस होते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वगैरह सारे केस हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला की बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, चलो यहाँ देख लो, सॉरी यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ी बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि ये है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर बोला मैंने F1, इसका फोकस इधर होगा, ये 2F1, ये आपका F2, इधर आपका 2F2, ठीक है, आपको मालूम है कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सारे डिस्टेंस वहां पे बोलते थे ना पोल से नापते हैं, यहाँ पे सारा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। चलो मैंने ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख दिया बिटवीन टू एंड एफ, तो क्या टू एफ के बाहर बनती है इधर कहीं और बड़ी बनती है, अरे बड़ी बनती है क्या, मैंने कहा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये तो हो गया आपका फोकल लेंथ, क्या हो गया ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका इमेज है, भले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस। चलो एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, फोकल लेंथ, और जब पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे तो फोकल लेंथ वगैरह सारी बात करेंगे। यू का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ऑप्टिकल सेंटर से, और वी का मतलब है आपका इमेज डिस्टेंस, अरे इतनी बात ठीक है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले का नाम है हमारा
लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह हमको कुछ भी नहीं है, 12th क्लास में हम थोड़ी ना आए हैं, हम 10th क्लास में है। मैंने कहा यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला जो होता है वो कहता है कि द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ सेम कम, वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी माइनस का वन अपन यू, जहाँ पर अब इन सारी चीज़ों से वाकिफ हो। बट यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन बहुत हमारी बार हो जाता है। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो साइन कन्वेंशन यू चुटकी में 2 मिनट की बात है बस। देखो हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन, पहले भी बात करते हैं साइन कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पे पता है फोकल लेंथ कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, ये समझ नहीं आता बच्चों को। यहाँ पर देख ले भाई, बस एक बात याद रख लेना यार, इसमें बता दो क्या, यहाँ पे देख लो, चलो इसमें देख लो, मैं टाइम क्यों खराब करूँ, यहाँ पर मैं बता दो। साइन कन्वेंशन अगर बात करनी है तो हमेशा याद रखना कि जिधर से लाइट रे आएगी, जिधर से इंसिडेंट रे आएगी, जिधर से लाइट रे आएगी, इधर सब ये ओ मान लिया, चलो यहाँ पे F1, 2F1, F2, 2F2, मतलब इधर जितने भी रहेगा सब के सब आपका नेगेटिव, और इधर जो जो आएगा सबके सब पॉजिटिव, बस इतना याद रख लेना, तुम्हारा साइन कन्वेंशन हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, अगर साइन कन्वेंशन लगाऊँ मैं, मैंने कहा कि बाय साइन कन्वेंशन, तो मैंने कहा कि यहाँ पे फोकस तो इधर है ना, फोकल लेंथ एफ क्या होगा कि आपका पॉजिटिव होगा क्या, जिधर से लाइट रे आएगी उधर सब क्या होगा नेगेटिव, और जिधर जा रही उधर क्या होगा सब पॉजिटिव। अच्छा एक और बात, इसको हमने ऐसा भी करके देखा था, एक्सेस लेकर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव, इधर जो जो आएगा सब नेगेटिव, उधर जो आएगा सब पॉजिटिव, ऊपर आएगा पॉजिटिव नीचे आएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर ऐसा हाइट ले लिया मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर एच ओ बराबर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर इमेज मैंने नीचे ले लिया तो एच ई बराबर नेगेटिव बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे वाई नेगेटिव पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ क्या होना चाहिए इस केस में, पॉजिटिव, क्योंकि उधर इधर सब नेगेटिव इधर सब पॉजिटिव, कुछ भी नहीं देखना, जिधर से लाइट रे आएगी उधर सब नेगेटिव, जिधर से लाइट रे आएगी उधर सब नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे यू बराबर क्या होने वाला है, यू अरे इधर है ना, नेगेटिव लेना पड़ेगा साइन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। अच्छा बात कर लेते हैं हम लोग वी बराबर वी क्या होगा, पॉजिटिव इधर है ना, इसका मतलब जो गिवन डिस्टेंस रहेगा उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जो अननोन क्वांटिटी है हमारी जिसको हमको निकालना है, उसके लिए साइन कन्वेंशन हमें यूज नहीं करना, अपने आप देगा, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन की हो गई ना, तो हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि भैया इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कैसी बन रही है, आपको सब बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो है इसको हम लोग लिखेंगे एम। मैग्निफिकेशन का एम का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को यहाँ पर लिखते हैं वी बाय यू। बोले यार सर हम ना मिरर में देखा था एम बराबर माइनस वी बाय यू, बस यही तो फर्क है, सिर्फ साइन का फर्क है यहाँ पे, ठीक है क्या। अच्छा तुम साइन कन्वेंशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी ले लोगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर पर इमेज जैसा पॉजिटिव साइन ले लेना। अच्छा ये m बराबर क्या हो गया माइनस सॉरी v बाई यू, v मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन हो गया। मैग्निफिकेशन की बात करें अगर m बराबर अगर आपका नेगेटिव आया तो ये हमेशा याद रखना कि वो बन रही क्या रियल इमेज, और रियल इमेज क्या होता है आपका इन्वर्टेड होता है, हमेशा करना। और अगर m बराबर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या बन रही है आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। मतलब जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जब आप फॉर्मूला लगाओगे लेंस फॉर्मूला की मैं बात कर ली है ना, जब ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा वो वर्चुअल इमेज बन रही है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है आपका अरे इरेक्ट होता है, ठीक है क्या। अच्छा हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल केस यहाँ पे, अगर मॉड m हमेशा अगर वन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है ना सेम एज इमेज जो है ना सेम एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसे बनेगी। अगर मॉड एम ग्रेटर देन वन आ रहा है, एक से बड़ा मतलब 1.5 1.6 कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगी इनलार्ज मतलब बड़ी, ठीक है क्या। अच्छा अगर मॉड एम अगर लेस देन वन आ रही है तो क्या बनेगी डिमिनिश्ड, इसका मतलब छोटी, ठीक है छोटी, ये बन गई क्या, ये होता है आपका मैग्निफिकेशन।
अच्छा इतनी बात अगर हो गई है ना, तो यहाँ पर सवाल आता है भैया हमारे पास, लेंस फॉर्मूला से 1 / f / 1 / v - 1 / u, कोई सा भी सवाल अगर मैं करूँ, देखो मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। एक एग्जांपल तो बहुत इजी है यार, जो भी देखे रखेगा ना, गिवन वैल्यू साइन कन्वेंशन तो हमने बात करी है। मैंने यहाँ पे पेपर एक एग्जांपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन याद है था, चल कोई बात नहीं, कौन सा लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, कहीं पे 7 सेंटीमीटर हाइट की है, 7 सेंटीमीटर हाइट की है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, यहाँ पे कितना दूर रखा है वो 12 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब यू बराबर आपको देकर रखा है 12 सेंटीमीटर, बहुत हलवा सवाल है मेरा फॉर्मूला वाला, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितना देकर रखा है, एफ बराबर आपको कितना देकर रखा है, इधर कहीं इसका फोकल लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर, अरे इतना होगा क्या, 8 सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, पोजिशन, पोजिशन मतलब हमेशा याद रखना कि आपको वी निकालना है, नेचर मतलब रियल या डिमिनिस्ड, क्या है रियल है डिमिनिस्ड है वर्चुअल है, ये सारी चीज, और क्या बोल रहा था यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज एच ई हमें निकालना है, हमें एच ओ देके रखा है 7 सेंटीमीटर, क्या देके रखा है हमें, एच ओ, भैया एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, वी बराबर मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं सोचना है, 1 / f / 1 / v - 1 / u लगा दो, तो 1 / f / 8, ओ बाय साइन कन्वेंशन, अब मैं बोला बाय साइन कन्वेंशन, ये तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, इनके बिना काम ही नहीं हो रहा, तो ये एफ क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, तो ये प्लस का 8 सेंटीमीटर हिस्सा हो गया, लेकिन यू बराबर अगर आप देखोगे तो इधर से लाइट रे आएगी ना भैया, अरे इधर से लाइट रे आएगी तो यू बराबर क्या देगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर, हो गया काम, वी के लिए हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि अननोन पैरामीटर के लिए साइन कन्वेंशन नहीं लेते, ये खुद देगा, देखना पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो 1 / 8 इज इक्वल टू 1 / v माइनस में 1 / माइनस ऑफ 12, तो 1 / 8 = 1 / v + में 1 / 12, अरे ठीक है क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको धर लिया मैं 1 / 8 माइनस में 1 / 12 = 1 / v, एलसीएम ले लेता हूं इसका, इसका इस लोग आपस में 12 - 8 / 8 * 12 = 1 / v, ये 4 / 8 * 12 = 1 / v, ये कट गया 3, तो v बराबर आया आपका 1 / 24 = 1 / v, मतलब v बराबर आपका 24 सेंटीमीटर, अब भी बराबर 24 सेंटीमीटर आ तो रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, इसमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, क्योंकि नेचर वेचर हमें उसी से पता चलेगा, मॉडम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनना मालूम मुझे, एच ई बाई एच ओ होता है जो वी बाई यू होता है, लेकिन हाँ बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं, तो मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देकर रखा है 7, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं मालूम, बट v बराबर हमने निकाला v कितना 24 और u बराबर माइनस का 12, तो ये he by ho is equal to v by u अगर मैंने लगाया तो मैंने ये पाया he अपॉन में 7 is equal to, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल ले क्या, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, m बराबर v by u, तो m बराबर v कितना आपका 24 और कितना है माइनस का 12, m बराबर क्या होगा माइनस का 2, अरे यार m मेरा जो आया, देखो यहाँ पे m जो आया मेरा नेगेटिव आया, अब नेगेटिव आया तो क्या होता है, रियल इमेज बनती है, तो रियल क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ये नेचर पता चल गया क्या इसका, m नेगेटिव। अच्छा एक केस और बताया था मैंने कि मॉड m अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो क्या बड़ी बनती है क्या, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका मैग्नीफाइड, सारे केस कह रहा है मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है यहाँ रखती थी इधर कहीं बाहर बनेगी, अच्छा ये मैग्नीफाइड बन रही है, अब ये सेकेंड केस हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो कितना होगा 24, ये क्या होगा माइनस का 12, ये एच ई बाई 7 इज इक्वल टू, ये कट गया माइनस का 2, एच ई बराबर कितना हो रहा है माइनस का 14, देख भाई इमेज क्या ऐसी नीचे बनेगी क्या, और नीचे के लिए हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं क्या, क्योंकि वाई एक्स इधर क्या है नेगेटिव, ये है चैप्टर यार, बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से आप सारे काम कर सकते हो, डरना नहीं फिजिक्स से, अच्छा लगा तो फिर आगे आपकी इच्छा, हम तो बस काम कर रहे हैं।